हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। दोस्तों, अगर आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस टाइम हम नेपाल में हैं और इंडिया टू नेपाल की हमारी सीरीज़ चल रही है। और इस टाइम पर हम हैं नेपाल के पोखरा शहर में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं नेपाल के पोखरा शहर का खूबसूरत नज़ारा। तो इस टाइम जो है रात के बज रहे हैं 8 और हम निकले हुए हैं नेपाल की सड़कों पर। तो ये देख सकते हैं आप पोखरा की नाइट मार्केट, और यहाँ जो है दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो अभी लगभग 8 बज रहे हैं रात के और दुकानें बंद होना शुरू हो चुकी हैं। और इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको पोखरा की मार्केट में मिल सकती हैं। तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी और फैंसी दुकानें आपको मिलेंगी, और अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं यहाँ से कुछ भी तो हर चीज़ आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम हैं और डांस क्लब मिलेंगे आपको, तो जहाँ भी चाहें आप घूम सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि पोखरा जो है बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप है और नेपाल की बहुत ही अच्छी सिटी है पोखरा। जैसे कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि पोखरा बहुत ही साफ सुथरा शहर है, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये चारों तरफ का नज़ारा, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टैग लगे हुए हैं कि कितने का है, 900 रुपये पर पीस के हिसाब से है। एक बात तो है कि यहाँ पर वैरायटी तो है लेकिन जो चीज़ों की कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और चीज़ें यहाँ पर है तो महंगी लेकिन आपको वैरायटी मिल जाती है हर चीज़ में। जो भी चीज़ आप चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर मिल सकती है। यहाँ पर ये ऐसी शॉप आपको देखने के लिए मिलेंगी पोखरा में, और आप ये जो भी शॉप है घर के लिए परचेस करना चाहते हैं तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको हर जगह हर मार्केट में नहीं मिलेंगी, लेकिन ये चीज़ें नेपाल में आपको देखने के लिए मिलेंगी और यहाँ पोखरा में आप परचेस कर सकते हो यहाँ से। पोखरा इंडिया का बिल्कुल पड़ोसी देश है, और यहाँ आने के लिए आपको किसी भी पासपोर्ट या वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इंडिया से हैं। लेकिन आप अगर यहाँ आते हैं इस शहर में तो आप फ्लाइट से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, कार से आ सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ की खूबसूरती का नज़ारा देखेंगे या यहाँ की जो साफ़ सफाई है, तो ऐसा मैंने इंडिया में बड़ी से बड़ी किसी सिटी में नहीं देखा है जैसा यहाँ का नज़ारा है। क्योंकि यहाँ पर आपको कूड़ा करकट कचरा कहीं भी सड़क पर किसी भी तरफ देखने के लिए नहीं मिलेगा, और यहाँ की जो दुकानें हैं और जिस तरह से इस शहर को सजाया गया है और यहाँ बनाया गया है तो वो चीज़ देखने लायक बनती है। और यहाँ पर इंजॉयमेंट के लिए बहुत कुछ है, अगर आप डांस के शौकीन हैं तो यहाँ जगह जगह डांस क्लब हैं, बियर बार हैं, और हर चीज़ है यहाँ पर। अगर आप पूजा पाठ के लिए आते हैं तो यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, यानी कि जिस चीज़ से भी आपको इंजॉयमेंट मिलती है हर वो चीज़ आपको यहाँ पोखरा में मिलेगी। रूम भी कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं हैं, आपको इंडियन 500 से लेकर 800 में 1000-1500 तक में रूम अच्छा अवेलेबल हो जाता है। और घूमने के लिए आप बाइक रेंट पर ले सकते हैं यहाँ पर, या अपना कोई व्हीकल से आते हैं तो अपने व्हीकल से भी घूम सकते हैं। सबसे बढ़िया साधन ये है कि यहाँ से आप बाइक रेंट पर लिए और आप पोखरा में जहाँ पर भी घूमना चाहते हैं तो घूम सकते हैं। तो तीन हमारे दोस्त मिले हैं यहाँ नेपाल से, और नेपाल के नेपालगंज से हैं, और इनका नाम अभी बताया, इनका नाम है दीपेश अधिकारी। तो नाम जैसे कि आपको मिलेंगे यहाँ पर इंडिया जैसे ही होते हैं, दीपेश नाम है, लेकिन जो सरनेम मिलेगा इन लोगों का वो आपको चेंज मिलेगा। तो आप इंडिया गए हो कभी? तो कैसे इंडिया में कहाँ कहाँ घूमे हो? नैनीताल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। नैनीताल अच्छा है, पोखरा अच्छा है, दोनों ही अच्छा है ना भाई? नैनीताल भी अच्छा है लेकिन पोखरा अपने अलग हिसाब से अच्छा है, क्योंकि आगरा में ताजमहल तो फेवरेट है। और दिल्ली गए आप लोग? दिल्ली नहीं गए। तो इंडिया आप लोगों को कैसा लगा था? अच्छा लगा, पर तो मैं यहाँ नेपाल में घूम रहा हूँ, ये 4-5 दिन हो गए हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि आई लव नेपाल, और नेपाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, खास तौर से यहाँ पोखरा में आने के बाद। जब मैं पोखरा में आया, क्योंकि यहाँ का जो माहौल है ना बहुत ही शांत माहौल है और साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। तो जल्दी मिलेंगे, और आप लोग भी इंडिया आइए, ठीक है? और इंडिया में आप लोग दिल्ली घूमिए, आगरा तो घूम चुके हैं, ताजमहल घूमे आप लोग, तो इंडिया भी आप लोगों से प्यार करता है, ठीक है? और क्योंकि इंडिया नेपाल भाई भाई है, और इंडिया नेपाल में आने के लिए ना इंडिया वालों को कोई वीज़ा लगती है ना नेपाली को कोई वीज़ा लगती है, और दोनों ही एक दूसरी जगह काम कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि नेपाली लोग इंडिया लोगों से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और ऐसी ही मोहब्बत इंडिया के लोग भी नेपाली लोगों से करते हैं। तो ये कुछ लोग थे, और यहाँ भी पीछे आरती हो रही थी तो यहाँ पूजा में भी थे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है नेपाल में जब आप आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलता है, ऐसे लोग आप लोगों को मिलते हैं तो अच्छा लगता है। यहाँ पर नेपाल में काफ़ी ज़्यादा लोग प्यार करते हैं, और इंडिया नेपाल दोनों भाई भाई हैं। यहाँ आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आप आ सकते हैं अपने इंडिया के आधार कार्ड से ही यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। तो यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ अलग से डॉक्यूमेंट्स देना पड़ रहा है या ज़रूरत है। तो
तो आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं, और कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है। आपका इंडिया का 1000 यहाँ आकर 1600 बन जाता है। हाँ, कुछ चीज़ें यहाँ पर महंगी हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये टूरिस्ट प्लेस है तो उस हिसाब से बनता भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं कैसी जगह है, और विदेशी टूरिस्ट जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप आने का प्लान बना रहे हैं फैमिली के साथ, तो पोखरा एक बार आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह। ये नेपाल की खूबसूरती, और ये आप देखेंगे तो आप बताइए कि नेपाल आपको कैसा लग रहा है, नेपाल का पोखरा। और यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसा एहसास होगा कि आप जैसे किसी बहुत ही हाई फाई कंट्री में हैं, जैसे कि आप बैंकॉक में हैं या बीजिंग में हैं, लेकिन आप यकीन मानिए ये नेपाल है। और नेपाल यहाँ इधर जहाँ भी आप घूम रहे हैं तो आपको चारों तरफ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, ऐसे ही मार्केटें हैं, और जो सड़कें हैं वो ऐसे ही रोशन है, बिल्कुल साफ़ सफाई है, तो कहीं पर कोई गंदगी नहीं है, तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। पोखरा सच में बहुत ही ज़्यादा डेवलप सिटी है, और यहाँ जब आप आएंगे तब आप खुद अपनी आंखों से देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ कितना ज़्यादा डेवलप है। हर चीज़ यहाँ जो मार्केट है किस तरीके से कायदे से बनाई गई है, और यहाँ की जो सड़कें हैं दोनों तरफ साइड फुटपाथ है चलने के लिए, और यहाँ आपको कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलेगी, यहाँ सिर्फ टैक्सी है या बाइक है या कार है। इसके अलावा कोई टुक टुक, चार्जिंग रिक्शा, ऑटो कुछ भी यहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर बाइक रेंट पर ले सकते हैं या टैक्सी से जा सकते हैं अगर आपको कहीं भी जाना है। और यहाँ के जो नियम कायदे हैं वो बहुत सख्त हैं, और आप आराम से घूम सकते हैं। काठमांडू के और यहाँ के माहौल में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ना आपको कोई छेड़ने वाला है। काठमांडू में आपको परेशानी आ सकती है अगर आप रात में अकेले घूम रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ आपको रात में कुछ लोग ऐसे मिल जाएँ जो कि आपको परेशान करें, लेकिन यहाँ पोखरा में ऐसा कोई भी माहौल नहीं है, तो आप किसी भी टाइम तक अपने आराम से यहाँ पोखरा में घूम सकते हैं। और दूसरी बात यह है, यहाँ की मार्केट आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से दूर तक ये मार्केट आपको ऐसे ही मिलेगी, और साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, कहीं ज़रा सा भी कूड़ा किसी भी सड़क पर आपको देखने के लिए यहाँ नहीं मिलेगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन सिटी है, और ऐसी सिटी मैंने अभी तक इंडिया में भी नहीं देखी है। तो आप अगर यहाँ पोखरा में घूमेंगे तो आप खुद कहेंगे कि वाकई में ये जो शहर है ये टक्कर देता है बड़े बड़े शहरों को। ये देखिए वाइन शॉप, वाइन शॉप तो मैं आपको हर दुकान में यहाँ पर दिखा दूँगा, वाइन बियर हर दुकान में आपको मिलेगी ही मिलेगी यहाँ पर। नेपाल में बाइक के ऊपर और कारों के ऊपर लगभग 260% का टैक्स है, और उसके बाद भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा बाइकें और कारें भी अच्छी से अच्छी। और एक चीज़ और है, ये नंबर प्लेट आप देखेंगे आपको हिंदी अंकों में, क्योंकि ये नेपाली भाषा में है, तो हर गाड़ी पर ऐसे ही नंबर प्लेट देखने के लिए मिलेंगी, चाहे आप कोई सी भी गाड़ी देख लें, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, चाहे बाइकें हों या कारें हों, लेकिन जो नंबर प्लेट है तो वो आपको नेपाली भाषा में ही देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि 265% का टैक्स होने के बाद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बाइकें और कारें कितनी ज़्यादा हैं, यानी कि इंडिया की जो 1,00,000 की बाइक होती है तो यहाँ पर अगर आपको सीधी सीधी पड़ रही है 3,65,000 रुपये की, और एल्टो जैसी गाड़ी यहाँ पर 24,00,000 रुपये की है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बाइक्स के और कार के ऊपर कितनी ज़्यादा महंगाई है। अगर आप नेपाल की सड़कों पर चल रहे हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि जो नेपाल के लड़के होते हैं ना, बाइक आपके पीछे से शूंदना से निकाल के लेकर जाते हैं। ये मैंने चीज़ यहाँ पर बहुत देखी है कि यहाँ पर जो बाइक है बहुत तेज़ दौड़ाते हैं लड़के, और बिल्कुल स्पीड से आपके कान के बराबर से लेके जाते हैं, बस आवाज़ आती है, तो बाइक बहुत तेज़ स्पीड में चलाते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कोई आपको पीछे से टक्कर मार दे। ऐसे खूबसूरत जो आइटम है यहाँ नेपाल की दुकानों पर आप लोगों को मिलेंगे, जिसको आप परचेज़ कर सकते हैं अगर आप अपने घर में इसको लाना चाहते हैं और सजावट के लिए, तो ये बहुत खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें यहाँ की दुकानों पर आपको देखने के लिए मिलेंगी, जो कि यहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। पोखरा की मार्केट इतनी बड़ी है कि पूरी मार्केट में आपको पैदल घूमते हुए नहीं दिखा सकता। गाइस, आई होप आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो जल्दी मिलेंगे किसी ऐसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।